चलिए अब अपनी नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलवाता हूं नाम है हर्षिता जिनकी ऑल इंडिया हंड्रेड रैंक है और हर्षिता ने भी बहुत ऑट कंडीशन में पढ़ाई की है इनकी मदर ने बहुत मेहनत और बहुत सपोर्ट किया है और हर्षिता की सक्सेस स्टोरी हर्षिता से ही जानेंगे हर्षिता आप अपने बारे में सब बताए yes. और फाइनल के साथ इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था रैंक ऐसी थी कि जो एनआईटी मिल रहा था उसमें लेने का मन नहीं था देन अगेन ड्रॉप लिया और आज आपके सामने सक्सेस सामने है। तो आप अपना जो लाइफ का सक्सेस स्टोरी है वो बताएं और किस कंडीशन में और किस परिस्थिति में पढ़ाई की वो भी बताएं यस अ जर्नी स्टार्ट होती है 2018 से अ uh, मैं BCA कर रही थी नूतन कॉलेज से भोपाल का इवन एमपी का बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है वो गर्ल्स के लिए तो वहां तो एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल होता है गर्ल्स के लिए BCA में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 40 सीट्स होती हैं तो वहां एडमिशन ले लिया था घर वाले अ uh, कुछ समझ नहीं पा रहे थे बी कर रहे हो ये है क्या क्योंकि अभी तक हमने सुना था सिर्फ बी और बी एस नॉर्मली सब लोग यही करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बी तो एडमिशन ले लिया था तो जब लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रही थी तो सौरभ सर के वीडियोज सब प्रिफ़र करते हैं तो सौरभ सर के वीडियोज़ जब देख रही थी उसी में शरद सर का वीडियो भी था तो पहले वो उस पर क्लिक किया देखा समझा अच्छा तो फिर एम होता है और उसी टाइम एक सर है मेरे कॉलेज में थे उस टाइम मनीष सर उन्होंने मुझे निमसाइट के बारे में थोड़ा सा बताया भी था उन्होंने बोला था बेटा आप कर सकते हो आपको करना भी चाहिए वो उन सर को भी बहुत थैंक यू और फिर उन्होंने यूपीएससी में ऑल इंडिया उनकी रैंक थर्ड थी तो अभी डी में है उन्होंने बहुत सपोर्ट करा कि तुमको करना चाहिए फिर फिर मैंने सोचा हाँ कर लेंगे फिर थोड़ा सा फ़ीस स्ट्रक्चर देखा तो ऐसा लगा कि नहीं कर सकते फिर मेरी एक दीदी है जो मैनट से एमटेक कर रही थी ठीक है तो उन्होंने भी मुझे बोला कि हर्षिता तुमको करना चाहिए उन्होंने एक दीदी थी उन उन्होंने मैंने से ही एम किया था उनसे बात करवाई और उन्होंने बोला कि तुम कर सकती हो फिर मैं आई थी इम्पेटस 2018 के एंड में आई थी हाँ दिसंबर में आई थी मैं नहीं सॉरी सॉरी 2017 के एंड में आई थी तो मैं यहाँ पे बात करके चले गई थी फिर मैंने सोचा जैसे सब सोचते हैं जब फाइनल ईयर स्टार्ट होगा तो ज्वाइन कर लेंगे तो फिर मैं 2018 में ज्वाइन हो गई थी यहाँ पर तो फर्स्ट डे में आई और फीस वगैरह की बात करी तो मैम थी उन्होंने बोला आप आज की क्लास अटेंड कर लो फिर सर से बात करना तो क्लास अटेंड करने के बाद क्लास अटेंड करी तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था इक्वेशन का जो 2018 में आया हुआ था और वो क्वेश्चन मैंने देखा और मैंने बोला मुझसे तो नहीं होगा वो क्वेश्चन इतना खतरनाक था उस टाइम मेरे लिए और मैं फिर सर के कैबिन में गई और मैं मना करने गई थी कि सर मैं कल से नहीं आऊंगी एक दिन में आई मेरे को अच्छा लगा कोचिंग में इतनी बड़ी कोचिंग है बट फिर मैंने सर से बात करी उनको सारी कंडीशन बताई सर ने बोला कि नहीं बेटा आपको करना चाहिए और फिर मैंने सर की बात मान के क्योंकि सर ने सारी बात करी मुझे बहुत अच्छे से समझाया मैं बहुत डर रही थी सर से सर ने बोला मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया अब 2018 से 2018 तक बहुत ही सब कुछ अच्छा चल रहा था जब 2019 स्टार्ट हुआ तो फिर सोचा कॉलेज के एग्जाम्स भी तो हैं वो भी पढ़ना है तो थोड़ा उधर भी ध्यान दिया और ट्यूशंस भी पढ़ाती थी मैं तो सेशन प्रॉपर्ली मैं अटेंड नहीं करती थी यहाँ पे कर नहीं पाती थी दिन भर रहती थी शाम को मैं जल्दी चले जाती थी तैयारी पूरी थी फिर जब टू का पेपर आया मतलब तो सब कॉन्फिडेंस वगैरह सब हो गया था क्योंकि शरअसर थे हमारे साथ तो 2019 का जब पेपर आया स्टार्टिंग के जो दस मिनट होते हैं ना जैसे प्रतीक सर भी बोलते हैं कि स्टार्टिंग के टेन मिनट आपका सब कुछ डिसाइड कर देते हैं तो उस टेन मिनट ने हाँ शायद डिसाइड कर लिया था पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं था ये तो अलग था टफ नहीं था अलग था क्वेश्चंस बन जाते बाद में बन गए थे बट उस टाइम हम उस पेपर को हैंडल नहीं कर पाए तो टू का पेपर तो मैं बिगाड़ चुकी थी तो जब मैनेट से वापस सब लोग घर जा रहे थे पेपर देखे तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कोचिंग जाऊँ बट मैंने सोचा कि नहीं सर ने इतनी मेहनत से हमको पढ़ाया है इतनी मेहनत हमने यहाँ पे की है तो फिर मैं वापस आई पेटस सर से बात नहीं हुई थी उस दिन मेरी बट मैं देख के थोड़ी देर रुक के वापस चले गई थी तो जब मैं रास्ते में जा रही थी तो हाँ वो कोचिंग से घर जाने तक का जो मेरा टाइम था वो टाइम जो था ना उस टाइम में मैंने सोचा कि क्या करना है करना है नहीं करना फिर मैंने सोचा सर ने बहुत मेहनत की है मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है पढ़ाई के लिए तो बहुत है आप बोलोगे कि हाँ बच्चों को ये पढ़ाना है वो कुछ भी कर लेंगे बट हाँ बच्चे को पढ़ाएंगे हमारे यहाँ पढ़ाई मतलब करवा देंगे वो मुझे तो मैंने सोचा एक चांस और लेते हैं और मैं ड्रॉप ले रही हूँ मैं घर गई और बैग रखा और मैंने सीधे मम्मी से बोला ज़्यादा उम्मीद मत करना बहुत अच्छा नहीं हुआ है मेरा पेपर और मैं ड्रॉप लूंगी तो उस टाइम क्या होता था ऑफलाइन पेपर होता था तो ओ शीट की कॉपी हमको मिल जाती थी पेपर के बाद तो वो मैंने मम्मी ने देखी मम्मी कहती बेटा तुमने तो बहुत ही कम क्वेश्चन किए हैं मैंने कहा हाँ मम्मी मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन किए हैं तो फिर फिर नेक्स्ट डे आई सर के पास सर से बात करी कि सर मैं ड्रॉप लेना चाह रही हूँ तो सर ने बोला हाँ बिल्कुल लो लेना भी चाहिए मम्मी का सपोर्ट भी है सर ने बोला एक छोटा सा ब्रेक लेकर आओ तो फिर मैं बाहर गई थी पूरा माइंड फ्रेश करके मैं आई मैंने दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करी तो उतने में बी का रिजल्ट आ गया था बी में हो रहा था एडमिशन तो घर वाले बोलने लगे कि बी चले जाओ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी क्योंकि नाम बहुत अच्छा था तो अब मैं घर पे शाम के टाइम बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि मैं क्या करूं मैं बी एच यू जाऊँ कि ना जाऊं तो सर को कॉल किया तो उस टाइम शायद सर क्लास में थे तो फिर मैंने प्रतीक सर को कॉल किया और प्रतीक सर ने फिर मेरी मम्मी को समझाया कि आप उसे ड्रॉप दिलवाइए वो कर लेगी उसमें पोटेंशियल है वो कर सकती है तो मम्मी ने फिर उनसे दो चार क्वेश्चन पूछे कि हो तो जाएगा ना वरना आप बोल दो हो रहा है और उसका ना हो तो फिर प्रतीक सर ने उनको बहुत समझाया और प्रतीक सर ने उनसे बात की तो प्रतीक सर को मम्मी की तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू उन्होंने रिजल्ट आया था तो मम्मी ने बोला था और बस फिर 2019 19 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया दोनों सालों में ये था कि देखिए सिलेक्शन होना ना होना वो बहुत ही अलग बात है लेकिन हाँ अगर मैं आज से साल बाद भी सोचूंगी ना तो ये जो टाइम है ना ये लाइफ का बेस्ट टाइम था क्योंकि सर से बहुत कुछ सीखा पॉजिटिव रहना बहुत बहुत जरूरी है लाइफ में वो सर से सीखा क्योंकि सर सामने आते हैं ना आपके नेगेटिव थॉट अपने आप अप गायब हो जाते हैं कुछ भी कंफ्यूजन है अपने आप अप गायब हो जाती है थैंक यू सर इतने पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोगों को और इस बार तो हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी 2019 से लेकर 20 तक हम तो दिसंबर में भी बोलते थे आप अभी पेपर दे दो हम अभी दे देंगे आप अभी एग्जाम ले लो कुछ भी एग्जाम है आप अभी ले लो हम तैयार है पेपर देने के लिए इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ गया था पेपर हैंडल करना सीखा एक और चीज जो मैंने शायद 19 में गलती की थी वो ये थी प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं ना उनको बहुत अच्छे से नहीं किया था मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ देखते से याद आ जाए कि इस ईयर का क्वेश्चन है तो वो चीज़ मैंने इस साल सुधारी और मैंने एक प्रॉपर कॉपी बनाई थी जिसमें मैंने टॉपिक वाइज जैसे वेक्टर सबसे ज़्यादा आता है तो वेक्टर के सारे क्वेश्चन लिख लिए फिर प्रोबेबिलिटी के सारे ईयर वाइज की 2019 18 17 से लेके 2008 और 7 तक के सारे लिख लिए एंड में इवन निमसेट के पेपर के चार दिन पहले तक मैंने वही कॉपी देखी ठीक है और पढ़ाई बहुत अच्छे से की सेकेंड थिंग टेस्ट पेपर एनालिसिस एनालिसिस मैंने इस बार हाँ मैं कहूँगी मैंने बहुत अच्छे से किया जो मुझे बहुत फायदा किया प्रॉपर एक शीट बनाई थी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मेरा वेटेज कितना जा रहा है अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट है तो वो मुझसे बन रहे हैं या नहीं इन सब का एनालिसिस किया और शरद सर को भी दिखाती थी प्रतीक सर को भी दिखाती थी फिर वो मुझे नेक्स्ट वीक का टारगेट बताते थे कि अब तुम्हें नेक्स्ट वीक पे कौन से टॉपिक पे कमांड करना है और कौन से टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है तो ऐसे दोनों सर ने हमको प्लान बताते थे तो हमारा वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो, होते गया जैसे बाइनोमियल थ्योरम मेरा ऐसा टॉपिक था अगर मैं ना पढ़ूं तो टू वीक्स में मैं भूल जाऊंगी मतलब ऐसा था पता नहीं क्यों तो उसके अभी रिविजन प्रॉपर चलता गया और वो होता गया और जो हमारे टेस्ट होते थे उसे प्रीवियस टॉपिक के रिविजन भी हो जाते थे और इजिली सब चलता गया फिर लॉकडाउन लग गया तो बीच में पढ़ाई कम हो गई थी फिर लेकिन सर ने हमको परमिशन भी दी और हम लोग यहाँ आके पढ़े भी थे बीच में अगर मैं यहाँ आके लॉकडाउन के बाद जुलाई अगस्त सितंबर में हम यहाँ नहीं पढ़ती मैं तो हाँ मेरी रैंक 400 के बाहर अभी होती इतना हो जाता तो यहाँ पे आके पढ़ने दिया सर थैंक यू वेरी मच क्योंकि घर पे नहीं है उतना माहौल पढ़ाई का छोटा सा घर था तो तो दिन भर सभी घर में थे लॉकडाउन था तो तो यहाँ आके प्रॉपर पढ़ते थे इवन यहाँ पे तो ऐसा था लॉकडाउन में पढ़ने आ रहे हो तो आपको तो चाय पीने के लिए भी बाहर नहीं जाना दोनों टाइम आपको चाय भी यहाँ मिल जाती थी इतनी तो कोई कोचिंग करेगा भी नहीं जितना इम्पेटस ने हमारे लिए किया है फिर टू का पेपर हुआ पेपर मुझे ऐसा लगा जब मैं पेपर, पेपर दे रही थी कि हाँ पेपर तो इजी है अब इजी पेपर होता है मैथ्स का मैथ्स का पोर्शन इजी था तो इजी पेपर में गलतियाँ बहुत होती हैं और जब मैं यहाँ के मॉक दे रही थी एग्जाम के तीन या चार दिन पहले उसमें मेरे मैथ्स में थर्टीन रोंग फोर्टीन रोंग ऐसे एवरेज जा रहा था तो मैं ये थी कि हाँ मुझे रॉन्ग नहीं करना है तो मैथ्स में मैंने निमसेट में सिर्फ थर्टी सिक्स क्वेश्चन करे और मैं और रीजनिंग में ट्वेंटी सिक्स करे और मैं बाहर आ गई अब जब मैं सबको देख रही हूँ एक बोल रहा है फोर्टी करे एक बोल रहा है फोर्टी टू करे एक बोल रहा है फोर्टी फाइव करे हैं तो मैं तो वहीं फिर घबरा गई फिर मैं कोचिंग आई और सबसे पहले मैं आ गई थी कोचिंग तो मैं जैसे सर के कैबिन में गई सर ने पूछा कितने किए मैंने बोला सर थर्टी सिक्स कहते इतने सारे पेपर में इतने से ही किए फिर मैंने सोचा कि बोल लूँ फिर मैंने बोला सर मैंने रॉन्ग कम हो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया सर बोलते ठीक है प्रतीक सर भी बैठे थे उन्होंने भी बोला चलो ठीक है देखते हैं और बच्चे आते गए आते गए कुछ ने तो ना ऐसा माहौल बना दिया था कि होगा कि नहीं होगा मतलब एकदम से बहुत उस टाइम डर था बट सर थे तो सब स्टेबल थे तो फिर अगले ही दिन रिस्पॉन्स सॉरी आंसर की आ गई थी फिर हमने मेल करे कि हमको हमारी रिस्पॉन्स शीट भी चाहिए फिर इसको चेक किए फिर बीच में एक हवा उड़ी थी कि 720 से 900 के अंदर जितने लोग हैं सिर्फ उनका सिलेक्शन होगा तो वो हवा ऐसी उड़ी तो हमको तो पता था कि हवा उड़ाई जाती है तो हम तो नहीं थे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था हमारे पास लेकिन जो हमारे जूनियर्स थे इवन पायर ऑल इंडिया रैंक 47 वो भी घबराई हुई थी कि उसका क्या होगा उसके तो 700 मार्क्स थे वो भी उसको भी समझाया कि कुछ नहीं होगा और पता नहीं कहाँ यूट्यूब पे कहीं फेसबुक पे कुछ ना कुछ रैंडमली कमेंट्स आ रहे थे जिसके आठ के ऊपर स्कोर है सिर्फ उसी को सिलेक्शन होगा और किसी का नहीं होगा तो लेकिन जब रिजल्ट आया लेट आया बट हाँ अच्छा आया तो फिर बहुत सुकून मिला कि हाँ मेरे तो 600 हंड्रेड मार्क्स और मेरी ऑल इंडिया रैंक वन वन सिक्स है मैं सोच के बैठी थी 300 के बाद मेरी रैंक होगी और मैनेट या कुछ अच्छी एन तो मिल ही जाएगी तो जब रैंक आई तो रात में हमको पता चल गया था रिजल्ट तो सुबह तक ना वेट नहीं हो रहा था पहले तो सोचा वेट कर लो लेकिन फिर मैंने सर को सेंड कर दिया रिजल्ट और सर का फिर जब मैसेज आया प्राउड ऑफ यू तो वो टाइम था कि मैं यहाँ दो मिनट बैठ गई क्योंकि सर सर से मैसेज रिसीव करना प्राउड ऑफ़ यू ये ना दो साल का ड्रीम था जिससे आप पढ़ रहे हो और वो आपको सर बोले कि प्राउड ऑफ यू बहुत ही बड़ी बात होती है तो उस टाइम तो मैं बैठ गई अच्छा सर ने फिर मेरा रैंक कार्ड अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे पोस्ट किया तो मेरा भाई बाहर था तो मेरे भाई ने देख लिया सर के स्टेटस उसको शो हो रहे थे तो वो देखा तो उसने क्या करा पहले राधिका का स्टेटस डाला था तो वो डर गया हाँ वो डर गया कि सर ने राधिका का स्टेटस डाल दिया हर्षिता का स्टेटस नहीं है मतलब लगता है इसका नहीं हुआ फिर से लेकिन फिर उसने जैसे नेक्स्ट पे देखा तो मेरा था तो वो खुश हो गया और वो रात में सरप्राइजिंग मेरे लिए मिठाई ले आया और मैं उसको समझा रही थी कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि रैंक हो सकता है चेंज हो जाए कहते अब नहीं होगी अब कुछ नहीं होगा तो देखना हाँ नहीं हुआ और मेरे भाई का भी बहुत 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 ज्यादा थैंक यू क्योंकि उसको एम करने के लिए कैट की कोचिंग ज्वाइन करनी थी बट हाँ ये था कि हम लोग में ना डिफरेंस ऐसा है कि मेरा ग्रेजु, उसका ग्रेजुएशन ग्रेजु खत्म हुआ उसके नेक्स्ट ईयर मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो एक साथ दोनों को इतनी बड़ी कोचिंग करना मुश्किल हो जाता तो उसने फिर बोला कि एक काम कर तू नीम सेट कर ले तू मुझसे ज़्यादा अच्छा करती है तो तू कर लेगी तो मैंने किया रिजल्ट भी आया बहुत अच्छा आया नेक्स्ट डे जब मैं आई कोचिंग तो सर तो बहुत ही खुश थे और मिठाई भी लाई थी सर के लिए और सर ने सर पे हाथ रखा उन्हें बोला प्राउड ऑफ़ यू तुम्हारी मेहनत है ये बहुत अच्छा फील हुआ और एक चीज़ का हमने साल भर वेट किया था सर हमारे साथ जाते हैं हम सबको लेके जाते हैं जब एग्जाम आने वाला होता है चाय पिलाने के लिए वो टाइम इतना इंटरेक्टिव सेशन होता है वो जहाँ पे आपको कुछ भी बोलना होता है आप सर से बोल सकते हो तो उस चीज़ का बहुत वेट किया था थोड़ा कम जा पाए इस बार लेकिन हाँ गए थे और मजा भी आया फिर एग्जाम के तीन चार दिन पहले भी हम लोग यहीं थे कोचिंग में ही थे तो हम जाते थे तो उस चीज का बहुत वेट किया और सर क्लास के लास्ट में पूछते भी थे चाय कौन कौन पिएगा तो हम लोग गए वो टाइम बहुत अच्छा था और दूसरी चीज वहां से यहाँ तक आने के लिए जो वेट हुआ वहां बैठ के पढ़ते थे यहाँ पे आके हमारे सीनियर्स बोलते थे और तो हमको भी ऐसा लगता था, था हाँ एक दिन हम भी यहाँ पे खड़े होंगे बोलेंगे अपने जूनियर से बात करेंगे आज वो दिन फाइनली आ गया और लास्ट डेयर अवार्ड सेरेमनी में हाँ अवार्ड सेरेमनी जो हुई थी उस टाइम हम लोग थे तो उसके एक दिन पहले सर ने हमको कैबिन में बुलाया था कि बेटा आपके साथ वाले अब अवार्ड ले रहे हैं आपको अजीब नहीं लगना चाहिए आप खुश होना और नेक्स्ट डे आप लोग अवार्ड लेना तो अब हमारी बारी है अवार्ड लेने की तो और अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने कल दिखाया थैंक थैंक यू यू सर और देखो अभी आप लोगों को भी बहुत जल्दी अवार्ड मिलने वाला है yes. और मैं आपको पूरे सेशन को सुन रहा था आप लोग को भी यही बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनिए जैसे हर्षिता ने बोला कि इसके कॉलेज के एक सर थे मनीष सर जिन्होंने इसको मोटिवेट किया फिर मैनिट में कोई सिस्टर थी जो एमटेक कर रही थी उन्होंने मोटिवेट किया ये दो चीज जरा आप समझने की कोशिश करिए और इनके सर का सिविल सर्विसेज में टॉप थ्री रैंक आया मैंने एक चीज देखी जो जो इंसान मेहनत करना चाहता है या मेहनत करता है या जो कुछ अच्छा अचीव करता है वो किसी को कंप्रोमाइज नहीं करने देता तो कई बार आप लोगों के जब मेरे पास फोन आते हैं तो कई बच्चों के कि सर हमारे वो लोग बोल रहे हैं कि ड्रॉप क्यों ले रहा हो साल खराब हो जाएगा मैंने देखा ये बातें वो लोग करते हैं जो नॉर्मली फेलियर होते तो आपकी लाइफ का ये भी एक अच्छा yes, पार्ट था कि आपको वो लोग मिले जो yes. सक्सेसफुल थे और जिनको जीवन में कुछ करना था और ये एक रियल फैक्ट है कि जिनको जीवन में कुछ करना होता है वो किसी दूसरे को कभी कंप्रोमाइज नहीं करने देते और मैं आपको भी यही बोलूंगा कि ये कंप्रोमाइज ही खतरनाक होता है और मुझे भी याद है मेरे साथ क्या होता है मैं कभी भी फर्स्ट रैंक हो सेकंड रैंक हो या हंड्रेड हो सब बराबर होते हैं दो चार दस नंबर का अंतर होता है मेरे पास उस दिन जैसे जैसे रैंक आ रही थी मैं डालता जा रहा था मतलब सेवंथ एट रैंक वालों के बच्चों के बाद में डले तो कई बच्चों ने बोला सर आगे पीछे मैंने कहा जैसे जैसे बच्चों ने भेजा और मुझे सच में आप पर और यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छा किया इस बात का प्राउड है रिजल्ट अपनी जगह इम्पिटस में पर इम्पिटस में जो सबसे काम की चीज है वो लाइफ को कैसे जीना है यहाँ yes, yes, uh, 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 पे प्रतीक सर भी पढ़ाते हैं शरद सर भी पढ़ाते हैं हम तो बहुत ही लकी थे हमने मैथ्स मैथ्स तो, तो यहाँ पे सात से आठ बार पूरी दोबारा पढ़ चुके थे प्रतीक सर से भी और शरद सर से भी तो दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ाया शरद सर के लॉजिक्स प्रतीक सर भी बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे और वो ना जैसे मान लो टफ क्वेश्चन आ गया और ऐसा लग रहा है कि कैसे करें तो प्रतीक सर कहीं ना कहीं से स्केल पेंसिल कैसे भी करके क्वेश्चन बता देते थे तो वो चीज़ उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है और शरद सर जैसे कैलकुलस तो शरद सर ऐसा लगता है चुटकियों बजा कर देते तो ये चीज़ शरद सर से सीखना और सब अच्छे से पढ़ना और नेक्स्ट ईयर सब अवार्ड लेना और सब लोग वहां से यहाँ आ जाना यस सर थैंक यू